दोस्तों नमस्कार। आज है 21 अगस्त सन 2024। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रोफिनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। दोस्तों एक खुशखबर, 15 अगस्त से 24 अगस्त के बीच स्वतंत्रता दिवस के शुभ और पावन अवसर पर आप सभी को अजय एस्ट्रोमनी गुरु द्वारा प्रोवाइडेड की जाने वाली विशेष रिसर्च रिपोर्ट पर एक आकर्षक डिस्काउंट ऑफर हो रहा है। जो महानुभाव हमें डिस्काउंट की बात करते हैं और हम उनको उनकी मांग पूरी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा अवसर है। दोस्तों ये अब मात्र 3 दिन बाकी रहे हैं। यदि आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं, विशेष रिसर्च रिपोर्ट चाहते हैं, तो ये एक सुनहरा अवसर होगा। दोस्तों देश के कोने कोने से नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, विदेशों से भी ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है और विदेशी सब्सक्राइबर्स भी बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें, देर ना हो। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ग्लोबल लेवल पर अनाज की क्या स्थिति है। कुल मिला के खबर ये निकल के आ रही है कि ग्लोबल अनाज उत्पादन में 60 लाख टन की कटौती की गई है। ये इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल के आंकड़े के अनुसार। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल यानी अंतर्राष्ट्रीय ग्रेन काउंसिल के अनुसार ग्लोबल लेवल पे विश्व में कुल अनाज के लिए अब जो एक पूर्व अनुमान था पिछले महीने के मुकाबले लगभग 60 लाख टन कम कर दिया है। इसमें यूरोपियन संघ की गिरावट का बड़ा हिस्सा शामिल है। गौरतलब है कि लेटेस्ट अनाज रिपोर्ट में जो कहा गया है कि महीने दर महीने उत्पादन में कुछ जो गिरावट देखी गई है, साल 2024-25 मार्केटिंग ईयर के लिए वैश्विक अनाज उत्पादन अभी भी रिकॉर्ड 23,150 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले साल 22,990 लाख टन से अधिक है। जहां तक अनाज का उत्पादन की बात करें तो उसमें जुलाई से अगस्त के बीच में थोड़ा सा मामूली बदलाव है। राइस यानी चावल में 5,280 लाख टन का उत्पादन है जो कि स्थिर है, ये अभी अपने आप में एक रिकॉर्ड माना जा रहा है। मक्का में 10 लाख टन से बढ़कर उत्पादन 12,260 लाख टन मक्का का उत्पादन की बात की जा रही है और गेहूं में 20 लाख टन से उत्पादन घटकर 7,990 लाख टन रहने की उम्मीद जताई जा रही है। गौरतलब है कि उत्पादन बढ़ा है लेकिन कंजम्पशन यानी खपत में भी बढ़त हुई है। ये पिछले महीने की तुलना में थोड़ी कम 23,110 लाख टन थी जो अभी भी एक रिकॉर्ड है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रेन परिषद जो है अनाज परिषद, उसने कहा है कि कैरी ओवर स्टॉक में 50 लाख टन की गिरावट के साथ 5,810 लाख टन होने का अनुमान है। ग्लोबल स्तर पर कैरी ओवर स्टॉक 10 साल में अपने सबसे निचले स्तर पर गिरने की भी खबर नज़र आ रही है। गौरतलब है कि इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल ने यह कहा है कि सोयाबीन के उत्पादन 40 लाख टन से संशोधित कर 4,190 लाख टन कर दिया है जो एक रिकॉर्ड माना जाएगा और ये साल दर साल 7% की वृद्धि उत्पादन में दिखाई जा रही है। गौरतलब है 4,190 लाख टन सोयाबीन का उत्पादन इस साल होगा जिसमें 40 टन की बढ़त देखी गई है। गौरतलब है कि ये सभी जानकारियां आपको अजय एस्ट्रोमनी गुरु के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों हम हर संभव प्रयास करते हैं कि सभी आंकड़े प्रमाणिक स्रोत से आप तक लेके आए, फिर भी कोई निर्णय लेने से पहले आप स्वयं जाँच करें तो बेहतर रहेगा। दोस्तों हमारे आपका अपना चैनल 1,67,000 सब्सक्राइबर्स का चैनल है, जो हमारा परिवार 1,67,000 का हुआ है। 1,32,1,32,00,000 व्यू, 8,200 शो का ये आपका चैनल। दोस्तों दलहन तिलहन मसाला कपास सोना चांदी कच्चा तेल स्टील कोयले पे महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलते हैं, साथ साथ करेंसी और शेयर बाजार के ऊपर भी महत्वपूर्ण अपडेट आपको देने वाला देश का पहला चैनल। दोस्तों
कहा जाता है कि आपके जैसे जैसे प्रशंसक, फॉलोअर्स और साथी बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपको नापसंद करने वालों की संख्या भी बढ़ती है, क्योंकि जो पीछे रह जाते हैं उनको सिवाय ईर्ष्या के अलावा और कुछ नहीं आता। बहुत से ऐसे लोग जो हर चीज़ निःशुल्क हमेशा चाहते हैं, निःशुल्क सही है, लेकिन हर बार हर चीज़ को निःशुल्क देना संभव नहीं होता है, क्योंकि वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं पाता है। बहुत से लोग कॉपी करने में विश्वास रखते हैं, और वो जब उनको टेलीफोन करते हैं और उनको हम विशेष सूचना निःशुल्क देने में असमर्थ पाते हैं तो उनका गुस्सा फूटता है। तो दोस्तों, ये भी सत्य है कि आप हर बॉल पे 6 रन हमेशा नहीं बना सकते। 100 में से 100% विश्लेषण कभी किसी का सही हो नहीं सकता। यदि आप 90-95% आपका विश्लेषण सही है तो हम बहुत खुश हैं, हमारे सब्सक्राइबर बहुत खुश हैं, हमारे क्लाइंट्स बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु, आज ही संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।